मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पटवारी संघ मनासा अपनी मांगों को लेकर 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे कई शासकीय कार्य रुके पड़े हैं। 10वें दिन बुधवार को दोपहर 2 बजे तहसील कार्यालय के पास धरना स्थल पहुंचकर कांग्रेस नेता व पूर्व उद्योग मंत्री पटवारियों की मांगों के संबंध में चर्चा की व उनकी जायज मांगे सुनी। वही पटवारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर कहा कि अभी महंगाई भत्ता 1800 रुपये से बढ़ाकर 2300 रुपये किया जाए। वही पटवारियों को पेट्रोल, मकान किराया, स्टेशनरी खर्चा सहित अन्य खर्चों के लिए कम राशि मिलती है, जिससे उनका गुजारा संभव नहीं है। धरना स्थल पर बैठे पटवारी संघ मनासा अध्यक्ष जगदीश वर्मा व प्रांतीय मार्गदर्शक घनश्याम पांडे ने मांग की, पूरे प्रदेश के पटवारियों के साथ हम भी हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना आंदोलन जारी रहेगा। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट।